नमस्कार दोस्तों, फूड एंड ट्रेवल बाय रजनी सैनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आ गए हैं दिल्ली की पहली रोड टनल देखने। तो आप वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। मैं इसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ दूंगी इस टनल के बारे में। और आप देखिए, ये साइड में कितनी अच्छी इन्होंने पेंटिंग बनाई हुई है। और ये हमने कर ली टनल में एंट्री, बहुत ही सुंदर है ये। आप साइड में देख सकते हैं, पिलर पे भी बहुत अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन बनाए हुए हैं। और ये जो टनल है, ये अभी नई खुली है और ये बनी है 1.6 किलोमीटर लंबी टनल है। और इसका जो उद्घाटन था वो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने किया था। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये। और इसकी आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे थे, यहाँ पर पांच जो हैं इसमें अंडरपास बने हुए हैं, जो कि बने हैं ईस्ट दिल्ली, नोएडा, और ये आपके गाजियाबाद को कवर करेगा, आपका ये भैरव मार्ग को कवर करेगा। और अभी अंडरपास पे काम चल रहा है। और इन्होंने देखिए छत पे भी अच्छे से लाइटिंग करी हुई है, आपको यहाँ पे कोई अंधेरा नहीं दिखेगा। और अगर मैं सिक्योरिटी के पर्पज़ से देखूँ तो यहाँ पर 128 जो हैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और अगर ज़्यादा भीड़ होती है, जाम होता है और टनल में ज़्यादा सफोकेशन ना हो, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर 28 जो हैं वो एग्जॉस्ट फैन लगाए हुए हैं। और 128 जो हैं इन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये आप सामने देख रहे हैं, ये एग्जॉस्ट फैन है। और ये अब तक की जो है रोड टनल के लिए कहें तो ये अब तक की पहली ऐसी टनल है जो कि मॉडर्न टनल भी बोल सकते हैं हम इसे। ये देखिए, ये अभी अंडर पास पे काम चल रहा है, यहाँ पर आप मेरी लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। और इस टनल में मुझे एक ख़ास बात ये भी लगी कि आप ये लेफ्ट साइड में मेरे देख रहे हैं, ये खाली जगह ये इसलिए बनाई गई है कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आप उसे साइड में लगा लें, इससे क्या होगा कि ट्रैफिक जो है वो जाम नहीं होगा। सुनने में आया है कि संडे के संडे ये आप इसमें कोई ट्रैफिक नहीं चलेगा, आप इसको पैदल देख सकते हैं। अभी जो ट्रैफिक है वो थोड़ा कम है। और ये टनल इसलिए भी बनाई गई है, कहते हैं कि आईटीओ पे काफ़ी जाम लगता है तो लोगों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।